देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बकरीद एवं श्रावण को देख प्रशासन की बढ़ी सक्रियता। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एसडीपीओ के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। क्राइम कंट्रोल की मीटिंग में एसएसपी ने दिया थाना प्रभारियों को टास्क, कहा सतर्कता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। एक किन्नर ने एसएसपी से नहीं मिलने देने पर उनकी गाड़ी के समक्ष खड़ा होकर किया हंगामा। जमीनी विवाद में अपने भाई से उसकी शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। और लगातार दूसरे दिन दिशा की बैठक, सांसद विधायक सहित अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार। बकरीद को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन को लगातार सतर्कता का दिया निर्देश। एसडीओ एसडीपीओ के साथ जिलाधिकारी ने बकरीद और श्रावण को देखकर आवश्यक निर्देश दिए, कहा अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ भूमि विवाद से संबंधित एवं बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु बैठक का आयोजन जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हुआ। वही आयोजित इस बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जहां एक और जमीन विवाद से संबंधित मामले का निष्पादन विभिन्न थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारी अंचल अधिकारियों के सहयोग से करने की बात कही। बकरीद का त्यौहार 10 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। बकरीद पर्व को लेकर भी सभी पुलिस पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। उपद्रवित असामाजिक तत्वों, अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। अगर ऐसा कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्यवाही करने को कहा गया तथा दरभंगा जिले में विधि व्यवस्था बना रहे, शांति का माहौल कायम रहे, इस संबंध में भी कई दिशा निर्देश भी दिया। जिला अधिकारी के द्वारा कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी किया गया। उनका उपयोग हम करें, उसमें भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया है वो डेसिमल में हो, 1% लोग ऐसे हो सकते हैं तो उपद्रवी कहीं भी 1% से ज्यादा नहीं होता। 99% लोग जो है शांति रखना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, सामाजिक व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये चीज अपना ध्यान से उनका भी उपयोग करिए। कई बार एक अच्छा होता है, मतलब कई बार होता क्या है कि अगर प्रयोग में सतर्क भी रहिए, क्योंकि उपद्रव फैलाने के लिए कोई आदमी जो है वो मंगल ग्रह से नहीं आता है। जो भी होगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा फोन करके हमको बता रहा था कि यहाँ क्राइम कंट्रोल की मीटिंग का आयोजन दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा किया गया। कई ऑफलाइन से जुड़े सीधे तो कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, कहा कि जो पुलिसकर्मी है, थाना प्रभारी है, वे अपने दायित्व का निर्वहन करें। क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुआ।
वहीं आयोजित इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में कई पुलिस पदाधिकारी और विभिन्न थाने से आए हुए थानाध्यक्ष मौजूद थे। वहीं एसएसपी ने बैठक के माध्यम से दरभंगा जिले के सभी थानाध्यक्षों के पुलिस पदाधिकारियों से जुड़े हुए थे। सभी थाना से संबंधित विभिन्न कांडों की समीक्षा की गई, वारंटियों की गिरफ्तारी केस डिस्पोजल के संबंधित कई मामले का समीक्षा भी की गई, कई दिशा निर्देश भी दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने वही कई थाने क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों से खफा भी दिखे। कई थाने में कार्य में काफी सुस्ती और धीमी गति से देख नाराजगी जताई गई। एसएसपी ने और कार्य में तेजी लाने के लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द कराने को कहा गया। पुलिस विभाग से संबंधित और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी किया गया। आपको आप लोग प्रोसिक्यूशन सेल में रिपोर्ट नहीं देते हैं तो हमको कुछ नहीं बोलना है। प्रॉपर चैनल से आपको जाना है, आपको लेना है, बाईपास करके ले रहे हैं तो नहीं होगा, बात खत्म है। हमको रिपोर्ट हम अपने सेक्शन से लेंगे। जमीनी विवाद की समस्या को लेकर एक किन्नर ने एसएसपी की गाड़ी के सामने खड़ा होकर हंगामा किया। उसका अपने भाई से विवाद चल रहा है और वह एसएसपी से मिलने पहुंचा था, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हुई और अंततः आक्रोश में उसने एसएसपी के गाड़ी के समक्ष खड़ा होकर विरोध प्रकट किया। बॉडीगार्ड ने किन्नर को खींचकर गाड़ी के सामने से हटाया। एक किन्नर का हाई वोल्टेज ड्रामा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर देखने को मिला। यह किन्नर एसएसपी की गाड़ी के समक्ष खड़ा हो गया और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। यह तमाशा देख एसएसपी का बॉडीगार्ड ने इस किन्नर को हाथ पकड़कर खींचकर गाड़ी के सामने से हटाया। यह हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को आयोजित होने वाली एसएसपी का जनता दरबार किसी कारणवश नहीं लग सका। इसके बाद ही जमीनी विवाद की समस्या को लेकर आया मायूस नाम का एक किन्नर तमाशा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को एसएसपी की मीटिंग पुलिस पदाधिकारियों और सभी थाना क्षेत्रों के स्तर पर चल रही थी, जिससे एसएसपी की काफी व्यस्त और जरूरी काम आ जाने के कारण अपने कार्यालय से निकलकर वाहन में जैसे ही सवार हुए जाने के लिए, इसी बीच एक किन्नर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के गाड़ी के समक्ष आकर खड़ा हो गया और गाड़ी को रोक दिया। उसने कहा कि हमारी जान चली जाए हम नहीं जाने देंगे, हम थाना का चक्कर और यहां आने पर नहीं लगाएंगे, मेरा जमीनी विवाद का मामला है और इसके साथ परिवार के लोग मारपीट करते हैं। किन्नर की स्थिति देख एसएसपी की बॉडीगार्ड पुलिस के जवानों ने किन्नर को काफी समझाने बुझाने का काम कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। एसएसपी के बॉडीगार्ड ने किन्नर का हाथ पकड़ कर गाड़ी के सामने से खींच कर हटा दिया, तब जाकर एसएसपी की गाड़ी जा सकी। इसी बीच हमारी कैमरा की टीम मौजूद सारी दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। अपने कैमरे में कैद कर उसने किन्नर से बात किया और सारी बात उनसे पूछी। हमारा पहले भी हम अपने पर्सनल पैसे के अपना जमीन अपने नाम खरीदे हुए हैं। मेरे घर मेरे भाई मुझे घर से निकाल रखा, पहले भी 15 लाख रुपया 15 भरी सोना चोरी कर ले गए थे। इसी पारस में भर्ती थी मैं और 2-3 साल के पूरे रिकॉर्ड रख रखे हैं। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं ले रहा, उनके थाने में पिटवा रहा है, 4 तारीख का पिटवाया है, वीडियो देखो। कई बार हमें चक्कर कटवा रहा है, टाइम बाय टाइम दे रहा है और रिपोर्ट ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। डीएसपी ऑफिस भी है, डीएसपी भी बोला हम सुनवाई लेंगे, कोई सुनवाई नहीं किया, एसपी भी कोई सुनवाई नहीं किया। उनके हमारा टूटा हुआ हाथ को पकड़ के एसपी उनके हमें लेटा दिया, ये टूटा हुआ हाथ के पकड़ के एसपी के बॉडीगार्ड एसपी पकड़ के हमें लौटा दिया। हम किन्नर है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ गए जो सुनवाई नहीं हो रहा है? पूरे जगह बहादुरपुर भी गए, पूरे जगह हम कागज लगा रखे, थाने वाले हमें बुला लेते प्यार से, आओ हम तुम्हारा काम करेंगे, और बोलवा इतने काम क्या करेंगे, उनसे हमें पिटवा देता। वीडियो देखो, कहा गया मोबाइल बाबू वीडियो देखो, थाने में पीट रहे, तुम देखो, अगर मेरी गलती हो तो मुझे फांसी दे दो। और दिशा की बैठक लगातार दूसरे दिन भी हुई। जी हाँ, दिशा निगरानी समिति जिसमें सांसद से लेकर विधायक और वरीय पदाधिकारी सभी शामिल होते हैं, दूसरे दिन लगातार बैठक चली। सांसद विधायकगण सहित
कई पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत किया, गंभीर चिंतन हुई और कई ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत है, जनहित से जुड़े हैं, उस पर चर्चा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सराबगी, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, नगर आयुक्त सहित अन्य कई विधायकगण उपस्थित रहे। आयोजित दिशा की बैठक में यह बताया गया कि गौशाला को लेकर काफी गंभीरता दिखाते हुए बैठक में अपनी बातें रखी गई। वहीं गौशाला की जमीन को अतिक्रमण बताते हुए उस पर चर्चा भी किया गया। दिशा की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी किया गया। बैठक में शामिल सदस्यों ने अपनी अपनी बातें भी रखी। पिछले दफे दिशा की बैठक की है, सब में गौशाला का मामला है। 46 एकड़ भूमि गौशाला के पास और 8 एकड़ भूमि अतिक्रमण, हम स्पष्ट लिखे हैं, आपने इसका जवाब लिखा। तो इसमें डीएम साहब से मेरा आग्रह होता है, जो एक बैठक में हम लोगों को भी बुलावे वहां, उसका 135-134 लोग हैं। एक अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको जो क्लियर किया जाए, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, अगर गए होंगे इसके बाद रिपोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको जो अविलंब जो खाली कराया जाए। ये सारे मामले सर ये देख रहे हैं, एक को जो है बेच दिया, वो एक तो ही मामला है, बाकी तो रोज अभी भी हम देखे अतिक्रमण हो रहा। अभी जबरदस्ती हम 2 एकड़ दिलवाए सदर अस्पताल के बगल में, देख रहे हैं छुट्टा लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। सचिव होते हैं, एसडीओ अध्यक्ष होते हैं, उनका जिम्मेवारी नहीं है क्या? बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी का निधन 29 जून को हो गई। स्वर्गीय डॉक्टर सहनी द्वितीय विश्व दलित साहित्यकार सम्मेलन लंदन में ताम्रपत्र से सम्मानित थे। इन महान विभूति के आत्मा की शांति के लिए 10 जुलाई 2022 को बेला स्थित उनके आवास स्थल पर एक दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। ऐसे कृति प्राप्त व्यक्ति के श्रद्धांजलि सभा में आप लोग भी पहुंचकर अपना जीवन सफल करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बकरीद एवं श्रावण को देख प्रशासन की बढ़ी सक्रियता, जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एसडीपीओ के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। क्राइम कंट्रोल की मीटिंग में एसएसपी ने दिया थाना प्रभारियों को टास्क, कहा सतर्कता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। एक किन्नर ने एसएसपी से नहीं मिलने देने पर उनकी गाड़ी के समक्ष खड़ा होकर किया हंगामा, जमीनी विवाद में अपने भाई से उसकी शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। और लगातार दूसरे दिन दिशा की बैठक, सांसद विधायक सहित अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। कॉलोनी में सड़क निर्माण होने पर मुखिया और एमएसयू के सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा 15 वर्षों से इस सड़क की मांग की जा रही थी। सदर प्रखंड के वीडियो के प्रति भी वहां के लोगों ने आभार व्यक्त किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संघर्ष का नतीजा अब बैंकर्स कॉलोनी में जमीन पर दिखने लगा है।
जिस सड़क का निर्माण पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया वह एक महीने के संघर्ष में बनकर तैयार हो गया। इस बाबत MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने सूचना देते हुए बताया कि आज बैंकर्स कॉलोनी में स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन प्ले स्कूल में रखा गया, जिसमें कबीर चौक की मुखिया मुन्नी देवी को प्ले स्कूल के संचालिका कंचन के द्वारा माला और चादर पहनाकर सम्मानित किया गया। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने बताया, बैंकर्स कॉलोनी के लोग पिछले 15 सालों से जल जमाव का सामना कर रहे थे। जल जमाव के कारण लोग हमेशा दुर्घटनाग्रस्त का शिकार होते थे। बगल में प्ले स्कूल होने के कारण बच्चे भी हमेशा दुर्घटना का शिकार होते थे, जिसको देखते हुए सुमित कुमार चौधरी और दिनेश कांत ठाकुर की अगुवाई में MSU के साथ आगे आकर एक दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसके बाद सदर वीडियो के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि जून पहले सप्ताह तक सड़क का निर्माण कर लिया जाएगा, लेकिन 18 जून तक सड़क का निर्माण नहीं होने पर MSU के सदस्य फिर से वीडियो से मिलने के लिए सदर प्रखंड पहुंचे, जिसके बाद सदर वीडियो कबीर चौक के मुखिया प्रतिनिधि के साथ आकर धरातल का निरीक्षण कर 30 जून तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया और आखिरकार 5 जुलाई को सड़क ढाल दिया गया, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती पर समारोह की तैयारी की समीक्षा विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चालू वर्ष के नवंबर महीने में 6, 7 एवं 8 तारीख को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की तैयारी की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को देर शाम एमिलेशन कॉलेज परिसर में बैठक आयोजित हुई। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजित की सलाहकार समिति के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयोजन से संबंधित पूर्व में गठित समितियों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही कई नई समितियां गठित की गई। समारोह के स्वागताध्यक्ष के लिए बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा मामले के मंत्री आलोक रंजन झा के नाम की घोषणा पूर्व में की जा चुकी है, जबकि समाज सेवी एवं शिक्षा शास्त्री ब्रजेश कुमार झा एवं प्रतिभा सिंह की एक ऐतिहासिक आयोजन का कार्यकारी स्वागताध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में आयोजन की तैयारी को लेकर कार्यकारिणी स्वागताध्यक्ष ब्रजेश कुमार झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को आम सभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। जानकारी देते हुए संस्था के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ बैजू ने कहा कि संस्कृति और साहित्य संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने के साथ ही मिथिला की गौरवशाली विरासत से ही नहीं पीढ़ी के रूबरू कराना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। प्रति कुलपति डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में संकाय अध्यक्षों विभाग अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों स्नातकोत्तर विभाग अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वित्त परामर्शी कैलाश राम, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदार आदि उपस्थित थे। प्रति कुलपति ने स्नातकोत्तर सिलेबस में रोजपरक उप विषयों को जोड़ने की आवश्यकता को बताते हुए विभाग अध्यक्षों से कोर कोर्स के साथ इच्छित विषय के चयन में अधिक जोर देने का आग्रह किया। अपने विषय से इतर छात्र उपयोगी विभिन्न डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करने का आग्रह किया, ताकि छात्रों को कुशलता बढ़े तथा रोजगार युक्त कराना को आसान हो सके। और वार्ड संख्या 3 की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए ओबीसी मोर्चा सह जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा मनीष कुमार के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम के आयुक्त का पुतला दहन किया गया। मालूम रहे कि अब बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनाव में समय है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वार्ड नंबर 3 की जनता की समस्याओं को लेकर पूर्व प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा सह जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा मनीष कुमार खट्टी के नेतृत्व में बेला दुर्गा मंदिर के समीप दरभंगा नगर आयुक्त का पुतला दहन किया गया। वार्ड नंबर 3 की जन समस्याओं को लेकर करीबन एक माह पूर्व लिखित ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया था। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि अविलंब जन समस्या जैसे सफाई, कचरा उठाव, जल निकासी जैसे समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। वार्ड के जो गंभीर लंबित पर सड़क सा नाला निर्माण एवं अन्य गंभीर समस्याओं का स्वयं भ्रमण कर उस समस्या का निदान कर दिया जाएगा, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी समस्या जस का तस बना रहा। फोन के माध्यम से जानकारी लेने के बाद भी आजकल कर टाल मटोल किया जा रहा था। मनीष कटिक ने कहा कि अगर जनता की समस्याओं को लेकर झूठा आश्वासन दिया जाएगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नाम पर दरभंगा नगर निगम नगर के नगर आयुक्त उनके पदाधिकारियों के द्वारा हमेशा दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। विगत पिछले कई वर्षों से वार्ड नंबर 3 में अनेक समस्या, उसमें से मुख्य रूप से जल जमाव की समस्या है, लंबित पड़े सड़क सा नाला निर्माण की समस्या है, कचरा उठाव की समस्या है, अभी बरसात आने वाली है, बड़े बड़े नालों का अभी तक उड़ाई नहीं हुई है। इसी जन समस्या के साथ हमने लिखित तौर पर जब नगर आयुक्त जी के मिलकर ज्ञापन सौंपा था तो उनके द्वारा हमें आश्वासन मिला था। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बकरीद एवं श्रावण को देख प्रशासन की बढ़ी सक्रियता, जिलाधिकारी ने सभी SDO SDPO के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। क्राइम कंट्रोल की मीटिंग में SSP ने दिया थाना प्रभारियों को टास्क, कहा सतर्कता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। एक किन्नर ने SSP से नहीं मिलने देने पर उनकी गाड़ी के समक्ष खड़ा होकर किया हंगामा, जमीनी विवाद में अपने भाई से उसकी शिकायत करने SSP कार्यालय पहुंचा था। और लगातार दूसरे दिन दिशा की बैठक, सांसद विधायक सहित अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। इसके साथ ही दीजिए हम इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।